नमस्ते, मेरा नाम सोनल है और आप मुझे ऑर्डिनरी की स्पेशल सीरीज म्याऊ में देख रहे हैं। ऑर्डिनरी द ललन टॉप का जेंडर वर्टिकल है। आसान भाषा में कहूँ तो सिस्टर चैनल है, माने वो चैनल जो इस जेंडर सेंसिटिव एंगल से मुद्दों पर, खबरों पर बात करता है। कुछ लोगों को लगता है यहाँ बात सिर्फ लड़कियों की, महिलाओं की ही होती है और उनकी बात सिर्फ लड़कियों को ही करनी चाहिए। जब हमारे चैनल पर कोई पुरुष एंकर नजर आता है तो कुछ लोग उन्हें अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग सवाल करते हैं कि लड़के होकर ऑर्डिनरी में क्यों। ऐसा केवल हमारे चैनल के साथ ही नहीं, आमतौर पर घरों में भी समझा जाता है। अगर कोई पुरुष महिलाओं के हक की बात कर ले या उनके हक में कुछ कह दे तो तुरंत उसे जोरू का गुलाम, पल्लू में छिपने वाला, बीवी का चेला टाइप की बात या लेबल दे दिए जाते हैं। आज म्याऊ के इस एपिसोड में हम इसी पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पुरुष जेंडर सेंसिटिव बात करते हैं, पितृसत्ता पर सवाल उठाते हैं तो उन्हें कैसे ट्रीट किया जाता है और उन्हें क्या कुछ सुनने मिलता है। परिचय की रिवायत तो पहले ही पूरी हो गई, इसलिए सीधे पॉइंट पर आती हूँ। ट्विटर पर फरीहा नाम की एक यूजर ने एक किस्सा बताया। उन्होंने लिखा, एक घर में नई नई शादी हुई थी, दूल्हा और दुल्हन रिश्तेदारों के साथ बैठे थे। इसी दौरान एक रिश्तेदार ने दुल्हन पर ताना कसा। पति ने बचाव किया तो सामने बैठी दूसरे रिश्तेदार ने हंसी उड़ाते हुए पूछा, एक ही दिन में पांव दबाना भी सीखा? पति ने पलट कर कहा, इम्पोर्टेंट स्किल है, आनी चाहिए। यहाँ रिश्तेदार का ताना इस बात का था कि पति अपनी पत्नी का माखौल उड़ाए जाने का हिस्सा नहीं बना, बल्कि उल्टा उन्हें टोक कर पत्नी की तरफ से कहने लगा। फरीहा ने आगे लिखा, मुझे पता है छोटी सी बेसिक सी चीज करने के लिए लड़कों की तारीफ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक ऐसे समाज में जो पितृसत्ता पर सवाल उठाने वाले, बात करने वाले पुरुषों का विरोध करता है, उनका मजाक उड़ाता है, शर्मिंदा करता है, उनके लिए छोटी और बेसिक सी चीज करना भी अपने आप में जंग है। अगर आपके आसपास ऐसा कोई पुरुष है तो उसे अप्रिशिएट कीजिए, उसकी सराहना कीजिए, ये उसके लिए लड़ाई को थोड़ा आसान बनाता है। फरीहा के इस ट्वीट पर खूब रिएक्शंस आए। किसी ने कहा, लोगों को पति का पत्नी की केयर करना आपत्तिजनक क्यों लगता है? उनका ईगो क्यों हर्ट होता है? अगर आप पत्नी की केयर करते हैं, उनके हक की बात करते हैं तो ये आपको कोई कम मर्द नहीं बनाता, इससे आपकी मर्दानगी कम नहीं हो जाएगी। एक ने कहा, औरतें भी स्त्री विरोधी पुरुषों के समान बराबर पितृसत्ता का साथ देती हैं। कई लोगों ने अपने निजी अनुभव भी साझा किए। एक यूजर ने लिखा, मेरी पत्नी की प्रेगनेंसी के वक्त मेरी माँ ने कहा था कि रोज उसके पैरों का मसाज करो। दर्द और परेशानी के वक्त एक दूसरे की मदद करना ही तो इंसानियत है ना, क्या हम पार्टनर्स नहीं है? एक ने कहा, जब भी हम घर पर लोगों को खाने पर बुलाते हैं तब मैं और मेरी पत्नी खाना पकाने की जिम्मेदारी आपस में बांट लेते हैं, पर मेरी पत्नी ने अपने सबसे करीबी लोगों को भी इस बारे में बताना बंद कर दिया है क्योंकि उनसे बर्दाश्त नहीं होता। एक यूजर ने कहा, जोरू का गुलाम होने में गलत क्या है अगर गुलामी का मतलब एक दूसरे को प्यार, केयर और इज्जत देना है? बेतुकी बातों के आगे पत्नी को डिफेंड करने में गलत क्या है? बिना सिर पैर की बातों का जवाब जरूर देना चाहिए, लेकिन तमीज से। कई घरों में यह होता है कि पुरुष अकेले में तो अपनी पत्नी की मदद करते हैं, लेकिन अपने घर वालों के सामने ऐसा नहीं करते क्योंकि ये उनके घर वालों को अच्छा नहीं लगेगा। मैंने कई बार लड़कों को ये कहते सुना है कि हम तो फंस जाते हैं, माँ या रिश्तेदारों की गलती पर टोको तो कहने लगते हैं कि तुम तो पत्नी ही की तरफ हो, और अगर कुछ ना कहो तो पत्नी कहती है कि तुम तो माँ के पल्लू से बंधे हुए हो। बात केवल आम घरों के पति पत्नी के रिश्तों की नहीं है। अगर कहीं भी एक लड़का दकियन उसी चीज पर सवाल करता है या महिलाओं के हक की बात करता है तो उसे भी यही सब सुनने मिलता है। हमारे एक वीडियो में एक लड़के का कमेंट आया। उसने कहा था, मैं टीनेज में हूँ, मैं महिलाओं का सपोर्ट करता हूँ या उनके हक की बात करता हूँ तो कुछ लोग मुझे फेमिनिस्ट बुलाते हैं और कुछ लोग मुझे जज करते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप इस पर बात करो। फेमिनिस्ट शब्द को आजकल बहुत से लोग गाली की तरह इस्तेमाल करते हैं। फेमिनिस्ट व्यक्ति को पुरुषों के दुश्मन की तरह देखा जाता है। उन्हें लगता है कि फेमिनिस्ट तो बस महिलाओं को पीड़ित मानते हैं। फेमिनिस्ट लोगों को महिलाएं कभी गलत नहीं लगती। उनके हिसाब से महिलाएं ही अच्छाई की मूरत है, बाकी सब बुरे हैं। और कुछ तो ऐसे हैं जो मानते हैं कि बस लड़कियां ही फेमिनिस्ट होती है या हो सकती है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। असल में ये सोच फेमिनिज्म की धारणा को पल्यूट करती है। आसान भाषा में समझा जाए तो फेमिनिज्म बराबरी की बात करता है। फेमिनिज्म कहता है कि किसी के भी साथ सिर्फ जेंडर देखकर भेदभाव मत करो। वो जेंडर पुरुष भी हो सकता है,
फेमिनिज्म पुरुषों के साथ होने वाले भेदभाव की भी मुखालफत करता है। ये धारणा कहती है कि इंसान के तौर पर सब समान है, इसलिए सभी को बराबर मौके मिलने चाहिए। समाज तो मिसोजिनी यानी महिलाओं के प्रति पूर्वाग्रह या द्वेष से भरा हुआ नहीं होना चाहिए। फेमिनिज्म कभी नहीं कहता कि लड़कियां गलत नहीं हो सकती या वो कोई क्राइम नहीं कर सकती। बिल्कुल कर सकती हैं, वो भी बराबर इंसान है, वो भी बराबर गलतियां और गुनाह कर सकती है। लेकिन फेमिनिज्म ये भी कहता है कि आप उन्हें सिर्फ इसलिए गलत या बुरा ना मानो क्योंकि वो महिला है। पूर्वाग्रह में ना रहो कि महिला है तो ऐसी ही होगी, मैथ्स में कमजोर होगी, साइंस से भागती होगी, गाड़ी ढंग से नहीं चलाती होगी टाइप की बातें। फेमिनिस्ट होने या फेमिनिज्म पर बात करने के लिए किसी व्यक्ति का महिला होना जरूरी नहीं है, पुरुष भी बराबर फेमिनिस्ट हो सकते हैं। हमारी ऑर्डिनरी टीम को ही ले लीजिए, इसमें 5 लड़कियां और 2 लड़के हैं। सोम कहते हैं कि वो कैमरे के सामने सहज नहीं महसूस करते, इसलिए वो कॉपियां लिखते हैं। आपने उनके कई आर्टिकल्स पढ़े होंगे। नीरज को आपने कई वीडियोस में देखा होगा। नीरज को ऑर्डिनरी पर वीडियो करता देख कुछ लोगों को बड़ा अचंभा हुआ था। उन्होंने कहा, ऑर्डिनरी में एक ऑर्डिनारा, ऑर्डिनरी की जगह एंकरिंग में ऑड पुरुष आ गया, ऑर्डिनरी में कोई ऑर्डिनरी ही इंटरव्यू लेने आए, तब थोड़ा मजा आएगा। ऑर्डिनरी पर ऑड पुरुष क्या कर रहा है? हमारी टीम में मतलब ऑर्डिनरी की तरह खूब सारे वर्टिकल्स हैं, सिनेमा, स्पोर्ट्स, रंग रूट, बुलेटिन, दुनियादारी। इनमें काम करने वाले बहुत सारे लोग जेंडर सेंसिटिव हैं, फेमिनिस्ट हैं, बराबरी पर विश्वास करते हैं। स्पष्ट कर दूं, उनमें पुरुष भी हैं। हमें ये समझने की जरूरत है कि पितृसत्ता को खत्म करने की जिम्मेदारी सभी की है। किसी भी जेंडर का व्यक्ति पेट्रियार्कल हो सकता है और कोई भी जेंडर का व्यक्ति जेंडर सेंसिटिव हो सकता है। जिस तरह लड़कियों को मॉडर्न या वोक कहकर नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है, उसी तरह लड़कों को जोरू का गुलाम या पल्लू में बंधने वाला कहकर डिमीन किया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि जो इन सवालों से दो चार होता है वो आखिर क्या करे। मैं कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने जो सीखा वो बता सकती हूँ। मैंने सीखा कि गलत पर चुप नहीं रहना है। अपने या किसी और के साथ गलत होता देखकर अगर आप चुप रह जाते हैं तो वो चुप्पी आपको हमेशा परेशान करती रहेगी। इसलिए बिना ये सोचे कि कोई आपको कमजोर समझेगा या आपका मजाक बनाएगा, अपने विचार पर बने रहे। आपके इस कदम से अगर एक भी महिला की जिंदगी बेहतर होती है तो लोगों के ताने वर्थ इट है। और दूसरी बात, फेमिनिस्ट शब्द को गाली की तरह लेना बंद करिए। एटलीस्ट आप तो उसका मतलब जानते ही हैं। आप उसे गाली की तरह नहीं लेंगे तो जो व्यक्ति आपको फेमिनिस्ट बोलकर ऑफेंड करना चाहता है उसका मकसद पूरा नहीं होगा। आप क्या सोचते हैं इस मसले पर, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कैसा लगा ये एपिसोड ये भी बताइएगा। अब मुलाकात होगी कल एक नए एपिसोड के साथ। अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।